बच्चों, पिछले कुछ अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार एक व्यापारी अपने व्यापार में किए जा रहे व्यवहारों के लिए प्रारंभिक प्रविष्टियां यानी कि जनरल एंट्री करता है। ये जो जनरल एंट्री होती है, वास्तव में ये डायरेक्ट जो भी प्रारंभिक व्यवहार किए जाते हैं उनके आधार पर इनकी पोस्टिंग की जाती है, और इन्हीं जनरल एंट्रीज के आधार पर फिर कोई भी व्यापारी बनाता है अपना लेजर यानी कि खाता बही। खाता बही में जो प्रविष्टियाँ की जाती हैं उनके आधार पर उस खाते बही का शेष यानी कि बैलेंस निकाला जाता है। खाता बही में जो बैलेंस निकाले जाते हैं उनको हम एक जगह एकत्र करते हैं और उन्हीं बैलेंसेस के आधार पर हम ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट बनाते हैं। तलपट के बारे में भी हम काफ़ी अच्छे से जान चुके हैं। अब तलपट के साथ साथ बहुत सारे एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन जुड़े होते हैं। जैसे कि आपने इस अध्याय के प्रारंभ में देखा कि एक व्यापारी अपने अंतिम खाते बनाने के लिए बहुत सारे खाते बनाता है। व्यापार खाता बनाता है, निर्माणी खाता बनाता है, लाभ हानि खाता बनाता है, और फिर सबसे लास्ट में वो बनाता है स्थिति विवरण यानी कि चिट्ठा। व्यापार और निर्माणी खाते के बारे में हमने देखा कि निर्माणी खाता वो व्यापारी बनाता है जो वास्तव में निर्माण का कार्य करता है, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करता है, जो कहीं से बना हुआ माल लाकर डायरेक्ट नहीं बेचता बल्कि स्वयं उस माल का उत्पादन करता है। हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यानी कि निर्माणी खाते का प्रारूप क्या है, कौन कौन सी प्रविष्टियाँ की जाती है, कितनी एंट्रीज हम डेबिट में करते हैं, कितनी क्रेडिट में करते हैं, कैसे हम इनका बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि व्यापार खाता क्या है, इसमें किन किन मदों की प्रविष्टि की जाती है, और व्यापार खाते के आधार पर किस प्रकार हम सकल लाभ या फिर सकल हानि ज्ञात कर लेते हैं। तो व्यापार खाते के आधार पर हम जो सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करते हैं उसके आधार पर हम बनाते हैं लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाते में हम सकल लाभ या सकल हानि को ट्रांसफर करते हैं, और फिर हम अप्रत्यक्ष व्ययों को, क्योंकि हमने देखा कि जितने भी प्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनको हम व्यापार खाते में लिख देते हैं, और जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनको हम लाभ हानि खाते में लिख देते हैं। तो सभी अप्रत्यक्ष व्यय और आय को लाभ हानि खाते में लिख लेने के बाद जो बैलेंस आता है वो कहलाता है शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। इस शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को जब हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी अगर लाभ हमको आया है, प्राप्त हुआ है, तो उसको हम कैपिटल में यानी पूंजी में जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, और अगर हानि हमको यहाँ पे प्राप्त हुई है तो उसको हम बैलेंस शीट में यानी कैपिटल में उसको हम लेस कर देते हैं, और उसके बाद हम बहुत सारी संपत्ति और दायित्व को लिखते हुए बना लेते हैं एक बैलेंस शीट यानी कि स्थिति विवरण। तो आपने देखा कि व्यापार खाता जब हम बनाते हैं तो हमको सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात होती है। लाभ हानि खाता जब हम बनाते हैं तो हमको शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात होती है, और जब हम चिट्ठा बनाते हैं, स्थिति विवरण बनाते हैं, तो उससे हमको पूरे व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। हमको ये पता चल जाता है कि चालू वित्तीय वर्ष में यानी जिस वर्ष के लिए हम चिट्ठा बना रहे हैं उस वर्ष व्यापार की क्या स्थिति है, उसकी संपत्तियों की क्या स्थिति है, दायित्वों की क्या स्थिति है, और पूंजी की क्या स्थिति है किसी फॉर्म में। ये तो हमने बात की सामान्य लाभ हानि खाता, व्यापार खाता, निर्माणी खाता और चिट्ठे के। कई बार हम देखते हैं कि इन सभी खातों में बहुत सारे समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट होते हैं। ये जो एडजस्टमेंट होते हैं ये इन खातों को सही दिशा प्रदान करने के लिए यानी कि इनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, ताकि ये सकल लाभ सकल हानि, शुद्ध लाभ शुद्ध हानि
और व्यापार की सही आर्थिक स्थिति को प्रस्तुत कर सके। निम्नलिखित विवरण से एक व्यापारी का लाभ हानि खाता 31 दिसंबर 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाइए। पहला, सकल लाभ 19,000। दूसरा, वेतन चुकाया 5,000 रुपये। तीसरा, कार्यालय व्यय के चुकाए 13,000 रुपये। चौथा, ब्याज प्राप्त 800 रुपये। पांचवा, विज्ञापन व्यय 700 रुपये। छठवा, किराया चुकाया 900 रुपये। सातवा, विविध आय 200 रुपये। और आठवा, विविध व्यय 1,300 रुपये। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2006। फर्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट ₹19,000। सेकेंड, सैलरी पेड ₹5,000। थर्ड, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस ₹13,000। फोर्थ, इंटरेस्ट रिसीव ₹800। फिफ्थ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ₹700। सिक्स्थ, रेंट पेड ₹900। सेवन, सन्ड्री इनकम ₹200। एट, सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹1,300। इस क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। हमने वीडियो में देखा कि किस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट रहता है और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के, वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो हम डेबिट में लिखते हैं, और इनडायरेक्ट प्रॉफिट जो होता है, इनकम जो होती है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हम सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उस ट्रेडिंग अकाउंट का जो आंसर आता है उसको हम ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस दिया गया है तो उसको हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, और अगर हमको क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस का बैलेंस दिया है तो उसको हमको फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन में जो भी एक्सपेंसेस एंड इनकम दिए हुए हैं वो हमको डेबिट या फिर क्रेडिट साइड में लिखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 19,000, जिसको कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में सबसे पहले लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ₹19,000। सेकेंड, सैलरी पेड। अब क्योंकि पे है, एक्सपेंस करना है हमको, तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है 5,000। यहाँ हमको अकाउंटेंसी का गोल्डन रूल फॉलो करते हुए ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट को याद करने के बजाय अगर हम गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ज्यादा बेहतर हम बना पाएंगे और यहाँ पे गलती होने की संभावना भी कम रहेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग डेबिट होते हैं, तो सारे एक्सपेंसेस हम डेबिट में लिखेंगे, और इनडायरेक्ट इनकम जो है तो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग इनकम जो होती है, प्रॉफिट जो होता है, वो क्रेडिट होता है, तो उसको हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लिया है क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 19,000। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं सैलरी पे, क्योंकि पे किया है हमने, एक्सपेंस है हमारे लिए, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट, और 5,000 से हम इसकी एंट्री डेबिट साइड में करेंगे। थर्ड पॉइंट दिया गया है ऑफिस एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस है ये, इसलिए डेबिट में होगा, डेबिट में आएगा ये, और हम डेबिट में लिखेंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस, 13,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं ब्याज प्राप्त किया, इंटरेस्ट रिसीव। अब क्योंकि रिसिप्ट से ब्याज हमको प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव, और 800 से हम इसकी एंट्री करेंगे। विज्ञापन व्यय यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिए गए हैं 700 को के, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पर टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 700। और उसके बाद किराया चुकाया यानी कि एक्सपेंस है ये, तो भी ये डेबिट में आएगा, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे रेंट पेड ₹900। विविध आय यहाँ पर दी गई है, सन्ड्री इनकम दिया गया है 200 से, तो क्योंकि इनकम है, रिसीव हो रहा है ये हमको, इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सन्ड्री इनकम, और 200 से हम इसकी एंट्री करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए गए हैं 1,300 के, तो डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंसेस हैं ये, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,300।
और अब क्योंकि हमको बैलेंस निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेबिट साइड का जो टोटल है वो 20,900 आ रहा है और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो केवल 20,000 ही आ रहा है, यानी 900 का डिफरेंस है। और क्योंकि डेबिट बैलेंस आ रहा है तो हमको ये मान लेना है कि लॉस हुआ है, और क्योंकि ग्रॉस लॉस में से बहुत सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकम होते हैं वो एडजस्ट हो चुके हैं, किए जा चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो बैलेंस बचता है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। अब क्योंकि यहाँ पे डेबिट बैलेंस हमको देखने को मिल रहा है, मतलब इसको हम नेट लॉस मानेंगे और इसको फिर हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 900 रुपीज। निम्नलिखित शेष से 31 दिसंबर 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। सकल लाभ 20,000 रुपये, दुकान का किराया 2,400 रुपये, विक्रय पर भाड़ा 600 रुपये, व्यापारिक व्यय 1,000 रुपये, विज्ञापन व्यय 200 रुपये, डाक व्यय 100 रुपये, मरम्मत व्यय 220 रुपये, कटौती क्रेडिट 50 रुपये, विनियोग पर प्राप्त ब्याज 290 रुपये, अंकेक्षण शुल्क 200 रुपये, ग्रॉस प्रॉफिट ₹20,000, शॉप रेंट ₹2,400, कैरेज ऑन सेल ₹600, ट्रेड एक्सपेंसेस ₹1,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ₹200, पोस्टल एक्सपेंसेस ₹100, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस ₹220, डिस्काउंट क्रेडिट ₹50, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव ₹290, ऑडिट फी ₹200। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। हमने देखा कि जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं हम, और जो भी इनडायरेक्ट इनकम होती है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। बैलेंस अगर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिया गया है तो पहले हम उसको ट्रांसफर कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड एंट्रीज करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर दिया गया है 20,000, तो सबसे पहले हम इस बैलेंस को लिख लें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये प्रॉफिट है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब बाकी जो एंट्रीज है वो हम देखते जाते हैं। शॉप रेंट दिया गया है, क्योंकि ये पे करते हैं हम शॉप रेंट, तो 2,400 के अमाउंट को हम डेबिट साइड में लिखेंगे। कैरेज इनवॉट दिया गया है, सेल्स पर जो विक्रय भाड़ा है वो दिया गया है, यानी एक प्रकार का ये भी खर्च है, तो चाहे कैरेज इनवॉट हो चाहे आउटवर्ड हो लेकिन हमको तो पे करना ही है, तो यहाँ पर हम 600 को डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैरेज ऑन सेल ₹600। ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि एक प्रकार का ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस ₹1,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिया गया है यहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। पोस्टल एक्सपेंसेस ये भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए इसको हम डेबिट में लिखेंगे 100। रिपेयर एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ₹220। कटौती यानी कि डिस्काउंट दिया गया है ₹50 से, तो डिस्काउंट को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि दोनों चीजें हो सकती है, डिस्काउंट डेबिट भी हो सकता है और डिस्काउंट क्रेडिट भी हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में जबकि डिस्काउंट यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्रेडिट दिया गया है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे डिस्काउंट, और ₹50 से हम इसकी एंट्री करेंगे। विनियोग पर ब्याज प्राप्त, जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको उस पर ब्याज प्राप्त होगा, रिसीव होगा, तो हम यहाँ पर इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹290। ऑडिट फीस यहाँ पर दिया गया है 200, तो ऑडिट फीस क्योंकि हमको देना पड़ता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे लिए, तो इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू ऑडिट फीस ₹200। जितनी भी एंट्रीज थी यहाँ पर हमने सारी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसका बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डेबिट साइड का जो टोटल है वो कम है और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज्यादा है। क्रेडिट का टोटल है 20,340, इसमें से हम डेबिट के सारे टोटल को जब माइनस कर देंगे सारे पॉइंट्स को, तो हमको बैलेंस मिलेगा यहाँ पर 15,620। तो
ये जो 15,620 का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, तो इसको हम नेट प्रॉफिट मान के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट डेबिट साइड में 15,620। निम्नलिखित शेष से शीटू ब्रदर्स का 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता बनाइए। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीटू ब्रदर्स। सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट ₹35,000, जावक गाड़ी भाड़ा कैरेज आउटवर्ड ₹1,500, वेतन सैलरी ₹2,600, दिया गया बट्टा डिस्काउंट अलाउड ₹100, मरम्मत रिपेयर ₹600, किराया स्थानीय कर वदर रेंट टैक्स एंड रेट्स ₹700, छपाई व लेखन सामग्री प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500, सामान्य व्यय जनरल एक्सपेंसेस ₹1,500, अशोध्य ऋण बैड डेब्ट्स ₹300, कमीशन प्राप्त कमीशन रिसीव ₹400, प्राप्त ब्याज इंटरेस्ट रिसीव ₹600, डाक व तार व्यय पोस्टेज एंड टेलीग्राम ₹200, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट ₹600। इस क्वेश्चन में हमको ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है और बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम दिए गए हैं। सारे जो एक्सपेंसेस है उनको हम, जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि जो भी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, और जो भी इनकम होती है उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हमको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस होता है, क्योंकि प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो सकता है, डेबिट बैलेंस अगर है तो वो लॉस, और अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो वो प्रॉफिट कहलाता है। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है तो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 35,000। फिर कैरेज आउटवर्ड दिया गया है, एक प्रकार का एक्सपेंस है, चाहे वो कैरेज इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, लेकिन एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको हमको डेबिट साइड में लिखना है। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड ₹1,500। सैलरी दी गई है, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है एक प्रकार का, तो इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। जनरली कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि सैलरी वेजेस ये इस तरह के रेंट है कमीशन है, तो ये कई बार कंफ्यूजन होता है कि फिर ये डेबिट है कि क्रेडिट, यानी रेंट रिसीव है कि रेंट पे है, कमीशन रिसीव है कि कमीशन पेड है, वेजेस या फिर सैलरी रिसीव है कि पे है। तो यहाँ पर अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन आता है तो हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर सिर्फ उस एक्सपेंस या इनकम का नाम दिया गया है, जैसे सिर्फ रेंट लिखा है, सिर्फ इंश्योरेंस लिखा है, सिर्फ वेजेस है, सिर्फ सैलरी है, तो इस कंडीशन में हमको उसको एक्सपेंस ही मानना है, जब तक कि ब्रैकेट में कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन डेबिट या क्रेडिट ना लिखा हो। डेबिट तो हमको ऑलरेडी मानना ही है उसको, लेकिन अगर स्पेशली दे दिया गया है ब्रैकेट में क्रेडिट या रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंश्योरेंस रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, तब तो हमको वैसा ही ट्रीट करना है जैसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि रिसीव हुआ है कि पे हुआ है, तो हमको उसको पेमेंट मान के ही उसकी एंट्री करनी है। तो सैलरी यहाँ पर हम एक्सपेंस मानेंगे, डेबिट में हम लिखेंगे 2,600। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट भी दोनों हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, अलाउ भी हो सकता है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ डिस्काउंट लिखा है तो हमको उसको डिस्काउंट अलाउ यानी डिस्काउंट दिया पे किया ही मानना है, और अगर नहीं तो डेबिट है कि क्रेडिट स्पष्ट रूप से अगर बताया गया है कि डिस्काउंट और ब्रैकेट में क्रेडिट, तो फिर हम क्रेडिट में इसको ट्रीट करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड दिया गया है, यानी एक प्रकार का ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और इसको हमको लिखना है डेबिट साइड में, तो ये हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड और ₹100। रिपेयर एक प्रकार का एक्सपेंस है, इसको भी हमको डेबिट साइड में लिखना है ₹600। रेंट रेट एंड टैक्सेस, क्योंकि ये एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए हम एक्सपेंसेस करते हैं, तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे।
उसके बाद दिया गया है जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस भी क्योंकि एक्सपेंसेस स्पेशली दिया गया है यहाँ पर, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। बैड डेब्ट्स दिया गया है, बैड डेब्ट्स हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि एक प्रकार का ये लॉस है हमारे लिए, इनडायरेक्ट ही है। और कमीशन रिसीव यहाँ पर दिया गया है, तो जैसे कि हमने बात की कि कमीशन पे भी हो सकता है, कमीशन रिसीव भी हो सकता है, इंटरेस्ट पे भी हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव भी हो सकता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम उसको पे मान के डेबिट में लिखेंगे, लेकिन रिसीव के बारे में अगर कुछ बताया गया है, स्पेशली लिख दिया गया है रिसीव, तो फिर उसको हमको क्रेडिट साइड में लिखना है। तो यहाँ पर हम कमीशन रिसीव लिखेंगे क्रेडिट साइड में ₹400। और उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव दिया गया है क्योंकि स्पष्ट रूप से रिसीव बता दिया गया है, तो 600 हम इसको रिसीव साइड में लिखेंगे यानी क्रेडिट साइड में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी एक तरह का एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे ₹200। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे ₹6,000। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे एंट्रीज कर लेने के बाद बैलेंस जो हमको दिख रहा है वो डेबिट साइड का हमको 36,000 दिख रहा है, यानी कि ज्यादा दिख रहा है। क्रेडिट के सारे पॉइंट इसमें से माइनस करने के बाद हमको बैलेंस मिलता है 22,000 का। तो इस 22,000 के बैलेंस को हमको नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल मानकर बंद कर देना है, 22,000 में ट्रांसफर करके। निम्नलिखित शेष से राम बिहारी एंड सन्स का 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता बनाइए। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ राम बिहारी एंड सन्स। सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट ₹37,000, कैरेज इनवर्ड ₹1,000, सैलरी ₹3,000, डिस्काउंट अलाउड ₹100, जनरल एक्सपेंसेस ₹2,000, कमीशन रिसीव ₹1,500, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ₹200, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ₹2,000, रिपेयर ₹700, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500, बैड डेब्ट्स ₹400, इंटरेस्ट रिसीव ₹1,200, डिस्काउंट रिसीव ₹1,000। इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले सकल लाभ दिया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है, जिसको कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 37,000। उसके बाद हम देखते हैं हमको दिया गया है कैरेज इनवर्ड, ये एक प्रकार का एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड हो या फिर कैरेज आउटवर्ड हो, दोनों ही कंडीशन में क्योंकि हमारे पास से पैसा जाता है, खर्च है, तो इसको हम डेबिट में लिखेंगे। सैलरी, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है इसलिए हम इसको 3,000 डेबिट साइड में लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। जनरल एक्सपेंसेस, ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। प्राप्त कमीशन, कमीशन रिसीव, यहाँ पे हमको कमीशन रिसीव हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो सारी प्राप्तियां जो होती है, रिसीव जो होते हैं हमारे क्रेडिट में आते हैं, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे प्राप्त कमीशन, कमीशन रिसीव 1500। डाक वतार, पोस्टेज एंड टेलीग्राम डेबिट साइड में हम लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट में लिखेंगे। रिपेयर एक्सपेंसेस, ये भी क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डेबिट में लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी पे हम जो भी खर्च करते हैं वो हम डेबिट में लिखते हैं क्योंकि एक्सपेंस है हमारे लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। बैड डेब्ट्स दिया गया है, एक प्रकार का लॉस है हमारे लिए इसलिए हम इसको डेबिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव एंड डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि दोनों ही रिसीव्ड है हमारे लिए, प्राप्त हो रहा है, इसलिए दोनों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1200 एंड 1000। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल जो है वो क्रेडिट साइड का 40,700 शो कर रहा है, ज्यादा है डेबिट के टोटल से। सारे डेबिट के जो बैलेंसेस है उसको हम 40,700 में से माइनस करते जाएंगे तो हमको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा 30,000 का। अब क्योंकि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ये हमारे पास, तो हम यहाँ पर इसको 30,000 से इसकी एंट्री करेंगे और इसको हम नेट प्रॉफिट मान लेंगे। निम्न सूचनाओं के आधार पर 31 दिसंबर 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मेसर्स मेघवंशी ब्रदर्स का लाभ हानि खाता तैयार कीजिए।
फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स मेघवंशी ब्रदर्स. फर्स्ट सकल हानि ₹2,300. सेकेंड कमीशन रिसीव्ड कमीशन प्राप्त ₹1,200. थर्ड सैलरी ₹2,800. फोर्थ कैरेज आउटवर्ड ₹300. फिफ्थ डिस्काउंट रिसीव ₹400. सिक्स डिस्काउंट पेड ₹200. सेवेंथ सन्ड्री रिसीव्ड ₹250. एट सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹150. यहाँ पर हमको 31 दिसंबर 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है. सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रॉस लॉस दिया है. बहुत ध्यान हमको रखना है कि ग्रॉस लॉस है, डेबिट बैलेंस था वो ग्रॉस लॉस था, तो सबसे पहले इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग जितनी भी हानियां होती हैं, जो लॉस होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो डेबिट में आते हैं. तो सबसे पहले इसको हमको डेबिट साइड में लिख लेना है, ग्रॉस लॉस ₹2,300. उसके बाद हम देख रहे हैं कमीशन प्राप्त ₹1,200. तो कमीशन हमको यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख लेना है, कमीशन रिसीव, क्योंकि रिसिप्ट है हमारे लिए ₹1,200. थर्ड यहाँ पर हम देख रहे हैं सैलरी दी गई है 2,800 से. अब क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे 2,800. बाय गाड़ी भाड़ा कैरेज आउटवर्ड ₹300, तो 300 हम डेबिट साइड में लिखेंगे. बट्टा प्राप्त डिस्काउंट रिसीव ₹400, बट्टा दिया 200, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो इसको हमको डेबिट साइड में लिखना है 200. विविध प्राप्तियां 250, सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹250, क्योंकि प्राप्ति हमारे लिए, रिसीव कर रहे हैं हम इसको, इसलिए हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे सन्ड्री रिसिप्ट ₹250. विविध व्यय सन्ड्री एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंस है और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको डेबिट में लिखने होते हैं, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹150. 31 मार्च 2011 को रायपुर के व्यवसायी करीम के निम्नलिखित विवरण के आधार पर व्यापारिक एवं लाभानि खाता बनाइए. प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिस्टर करीम ऑफ रायपुर फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. प्रारंभिक रहतिया ओपनिंग स्टॉक डेबिट ₹8,000. किराया व कर रेंट एंड टैक्सेस डेबिट ₹300. व्यापारिक व्यय ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट ₹600. विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न डेबिट ₹600. सेल्स क्रेडिट ₹82,000. परचेस डेबिट ₹50,000. परचेस रिटर्न क्रय वापसी ₹300. आंतरिक गाड़ी भाड़ा कैरेज इनवॉर्ड ₹200. मजदूरी वेजेस ₹500. कटौती डिस्काउंट ₹40. कटौती क्रय पर डिस्काउंट ऑन परचेस क्रेडिट ₹50. कमीशन ₹10 डेबिट. वेतन सैलरी ₹2,000 डेबिट. कानूनी व्यय लीगल एक्सपेंसेस डेबिट ₹50. अंकेक्षण व्यय ऑडिट फीस ₹60 डेबिट. बैंक व बैंक चार्जेस ₹40 डेबिट. विक्रय कर सेल टैक्स ₹50 डेबिट. आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट ₹60. विनियोग पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹200 क्रेडिट. मरम्मत एवं नवीनीकरण रिपेयर एंड रिनेवल ₹260 क्रेडिट. अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक ₹1,000. इस क्वेश्चन में हमको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं इसमें जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे और बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे. अब कौन कौन से अमाउंट को हमको ट्रेडिंग में लिखना है, कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, इसको हमको अलग अलग करना है. तो ट्रेडिंग अकाउंट तो क्योंकि हम इसके पहले बना चुके हैं इसलिए हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट ट्रेडिंग का है और कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस का है. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि हमने कॉन्सेप्ट में भी देखा था, वीडियो में देखा था कि जो अमाउंट
जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी कि किसी माल को खरीद के लाने से संबंधित है, कच्चे माल से संबंधित है, ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और इनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, यानी प्रोडक्शन के बाद मार्केट तक उस वस्तु को लाना और सेल करना, ये रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस इसमें से ट्रेडिंग में जाएंगे और कौन कौन से एक्सपेंसेस डेबिट में जाएंगे और कौन कौन से एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है ओपनिंग स्टॉक। तो हमने देखा था कि ओपनिंग स्टॉक जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे ₹8,000। उसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं किराया व कर। तो ये हमने देखा कि ये प्रोडक्शन के बाद ये सब काम शुरू होता है, माल को बेचने से रिलेटेड होता है, तो ये क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसलिए ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस ऐसे सुनने से लगता है कि रिलेटेड टू ट्रेडिंग जो है, ट्रेड से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए, लेकिन ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो माल को बनाने के बाद बेचने या मार्केटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस जो है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर है यहाँ पर विक्रय वापसी, यानी कि सेल्स रिटर्न। तो हमने पहले भी देखा था कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न को हम माइनस कर देंगे। तो फिलहाल इसके नीचे दिया गया है सेल ₹82,000। इस 82,000 में से सेल यानी 600 को हम माइनस करके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर यहाँ परचेस देख रहे हैं, ये सारे ट्रेडिंग के पॉइंट है, माल को बनाने से संबंधित है। परचेस मतलब कि कच्चे माल का क्रय, ये माना जाएगा। तो परचेस को हम डेबिट साइड में लिखेंगे ₹50,000, और इसमें हम माइनस कर देंगे 300 परचेस रिटर्न, और टोटल जो फाइनल अमाउंट आती है 49,700 वो हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद कैरेज इनवर्ट दिया गया है, यानी आंतरिक गाड़ी भाड़ा, यानी कि खरीद पे ये व्यय किया गया है, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि वेजेस जो होता है वो उत्पादन में दिया गया जो पारिश्रमिक होता है वो कहलाता है, तो इसको हमको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, वेजेस ₹500। डिस्काउंट, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, और क्योंकि कुछ भी नहीं बताया गया इसके बारे में लेकिन फिर भी हमको अमाउंट जो है वो डेबिट साइड में दी गई है, तो इसको हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, डिस्काउंट और ₹40। डिस्काउंट ऑन परचेस, ये क्योंकि क्रेडिट साइड में परचेस पे हमको डिस्काउंट मिलता है, तो इस ₹50 को हमको जो क्योंकि क्रय से रिलेटेड है यानी कि ट्रेड अकाउंट से रिलेटेड है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन परचेस ₹50। कमीशन डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, कई बार प्रश्न में स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है ब्रैकेट में, लेकिन अगर नहीं बताया गया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेबिट साइड में लिखा है, यानी कि डेबिट वाला कमीशन है, कमीशन दे है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। सैलरी दी गई है, हमने पहले भी देखा सैलरी पे होती है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और ये मार्केटिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ₹2,000। लीगल एक्सपेंसेस एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। ऑडिट फीस ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ₹60 डेबिट साइड में लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। बैंक चार्जेस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे। सेल्स टैक्स, अब सेल से रिलेटेड ये टैक्स है, तो हमको क्योंकि विक्रय से संबंधित है, प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है, तो और एक तो टैक्स है, पेबल है, तो इसको हमको ₹50 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है। आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ₹60 क्रेडिट में दिया गया है, रिलेटेड टू ड्रॉइंग है, तो ये बहुत आसानी से हमको समझ में आ जाएगा कि इसको हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी इनडायरेक्ट एक रिसीव है, तो ये भी क्रेडिट साइड में आएगा। रिपेयर एंड रिन्यूअल, नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि एक्सपेंस है, ₹260, तो ये भी डेबिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। लास्ट एक पॉइंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हमको ये ध्यान में रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक को हमको, जैसे कि हमने फॉर्मेट में भी देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये आता है क्लोजिंग स्टॉक। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर क्लोजिंग स्टॉक इस ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहता
तो उसको हम मानते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग स्टॉक, समायोजन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस। तो वहां पर हमको इस क्लोजिंग स्टॉक को दो बार लिखना है, एक बार तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है और दूसरी बार इसी क्लोजिंग स्टॉक को हमको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना होता है। तो फिलहाल क्योंकि केवल ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है, तो हम यहाँ पर सिर्फ इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बन गया है। अगर हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट के लिए अमाउंट छाटेंगे लिखेंगे, फिर हम बचे हुए अमाउंट में से प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अमाउंट छाटेंगे लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी अमाउंट के छूट जाने या कोई और मिस्टेक हो जाने की संभावना बनी रहती है। लेकिन अगर हम सारे पॉइंट्स को लाइन से देखते जाएं और जो जहां का पॉइंट है वहां लिखते जाएं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का पॉइंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते चलें, ट्रेडिंग का पॉइंट है तो ट्रेडिंग में लिखते चलें, ऐसी कंडीशन में किसी पॉइंट के छूटने की या गलत लिखा जाने की संभावना बहुत कम होती है। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकाल लें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 82,400 और डेबिट साइड में जो टोटल है वो इससे कम है। तो सारे जो डेबिट पॉइंट हैं उसमें से हम 82,400 को माइनस करते चलें तो बैलेंस हमको मिलता है 24,000, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस आता है तो हम उसको ग्रॉस लॉस बोलते हैं। दोनों ही कंडीशन में ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पूरा हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो है क्रेडिट साइड का इंक्लूडिंग ग्रॉस प्रॉफिट ये आता है 24,310। इसमें से हम डेबिट के सारे पॉइंट्स अगर माइनस कर दें तो हमको मिलता है नेट प्रॉफिट ₹20,900। और इस तरह से इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम 24,310 पे क्लोज कर देंगे।